महुआ मोइत्रा, टीएमसी की सांसद ने संसद में दूसरे सांसद को हरामी बोल दिया। गजब बात यह कि बोल के उसे जस्टिफाई भी कर दिया। अ पर्सन हु हैज टू फुलफिल दिस एंड इफ यू कंसीडर दिस आफ्टर 10 इयर्स आल्सो। अब भाई जिसकी पार्टी का नाम ही टीएमसी हो वो भी वाला गाली ना दे है? और ये कैसी डेमोक्रेसी है जो एक महिला को गाली देने से रोक रही है, बताइए। और फिर कहते हो ये देश गाली नारी प्रधान देश है, बताइए। और वैसे भी कौन सा पहली बार है जो संसद में ये सब हो रहा है। तो आज आपको दिखाएंगे कि संसद में इससे पहले क्या क्या हो चुका है। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आज की खबर। संसद में अडानी पर चर्चा हो रही थी और उसी बीच महुआ मोइत्रा ने दूसरे सांसद को हरामी बोल दिया और उसे ये कहकर जस्टिफाई भी कर दिया कि हरामी तो पापी को कहते हैं। What is the gali? What is the gali? The word haram, as far as I understand, the word haram means something which is sinful, something which is forbidden. And the word harami, the literal translation of it is a sinner. That's what it means. To in my understanding of the Arabic root of the word. अरे पापी नहीं, लक्ष्मण जी इसकी नाभि में बाण मारो प्रभु। अरे मैडम इंस्पिरेशन लेने के लिए भी मिला कौन? संजय राउत। कमाल करती हो मैडम। वो हरामखोर को नॉटी बोल रहा था और हरामी को आप पापी बोल रही हो। बड़ा हरामी हो बेटा। पर इन सबसे अधिक हरामी है ट्विटर के यूजर्स। उन्होंने हरामी महुआ नाम से हैशटैग चला दिया। अब भाई पापी तो सभी हैं, कुछ ना कुछ पाप तो सभी ने किए हैं, महुआ ने भी किया होगा, तो वो उसको जस्टिफाई वही कर रही हैं कि देखो सही टैग है। वैसे तो इन मैडम ने कई सारे पाप किए हैं। अभी थोड़े ही दिन पहले मैडम ने काली माता को मांस भक्षक अल्कोहल एक्सेप्टिंग गॉडेस बताया था, जिस पर इन मैडम पर कई FIRs भी हुई थी। पर नुपुर शर्मा की तरह इन्हें एग्जाइल में जीने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ये आराम से संसद में लुई विटों का बैग लाकर सोशलिज्म पर ज्ञान पेलते हुए आपको भक्त बोल के गौमूत्र जाइब मार के दूसरे सांसद को चौड़े में हरामी बोल रही हैं और अन्य यूट्यूबर्स के पास जाकर एक्सप्लेन भी कर रही हैं कि हरामी क्या होता है। अब देखो महुआ मोइत्रा के लिए ये बात बहुत ही छोटी सी है कि इन्होंने सांसद को संसद में हरामी बोल दिया। 2018 में NRC का विरोध करने गई थी मैडम और असम में थी, वहाँ पर असम की पुलिसकर्मी ने इनको हाथ जोड़कर कहा कि मैडम रुक जाओ, पर मैडम रुकी नहीं, मैडम ने पुलिसकर्मी को धक्का मार दिया जिसमें पुलिसकर्मी के हाथ में चोट भी लगी थी। ये मैडम न्यूज शो में डिबेट करने बैठी और इन्हें बढ़िया उत्तर मिल गया तो मैडम ने नेशनल TV पर अपनी मिडल फिंगर दिखा दी। You file attempt to murder Arnab, against the lynch mob. Tell me, Arnab, would you find attempt to murder? इन मैडम के लिए भारत रिपब्लिक ऑफ इंडिया नहीं है, इनके अनुसार भारत सुसुपोटी रिपब्लिक ऑफ इंडिया है। झारखंड के भाजपा नेता निशिकांत दुबे को बिहारी गुंडा बोला इन मैडम ने। दुबे जी बोले मैडम जनरल नॉलेज थोड़ा कम रह गया लगता है, बिहार झारखंड दोनों अलग अलग है। पप्पू यादव बोले अरे 90 के दशक में होते तो इस स्लैंग को हम शान से अपने ऊपर ले लेते, अब हम थोड़ा बुढ़ा गए हैं। बाकी इस प्रकार का जनरलाइजेशन बिहारी कम्युनिटी के लिए बड़ा ही घटिया था, पर महुआ जी को अलाउड है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट से लेकर जैन कम्युनिटी, सभी के लिए अभद्रता से बोली हुई है मैडम। मीडिया को भी दो पैसे वाला बता दिया था एक बार तो। मैडम पेपर की बॉल बना के स्पीकर पर फेंकती हैं। अरे मैडम 5वीं के बालक भी ना करें ऐसे ऐसे काम, अब आप कर रही हैं वो भी लुई विटों का बैग लेके, बताओ। और भाई कमाल की बात तो ये कि इनके लिए देश का एक निर्वाचित सांसद तो हरामी है, पर आदिल अहमद दार जिसने पुलवामा किया वो कमबख्त एक 20-year-old बॉय है। बालाकोट दैट यू डिडंट हैव एयर कवर, यू डिडंट प्रोवाइड एयर कवर, नॉट डिड यू एयर लिफ्ट देम, यू डिडंट शट द राइट साइड ऑफ द रोड, सो यू नो यू जस्ट हैड अ 20-year-old बॉय ड्राइव एन SUV इनटू दिस कैवलकेड। पर अब चलिए देश की संसद में ऐसी अभद्रता कब कब हुई और विदेशों में भी ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं, वो देखते हैं अगले अध्याय में। अब देखते हैं कि महुआ के इस इंसिडेंट को मीडिया ने कैसे लिया। NDTV ने इस पर लिखा एप्पल को एप्पल ही तो बोला है। हिंदुस्तान टाइम्स ने भी कुछ ऐसा ही लिखा। टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, इंडिया टुडे, सब के सब ऐसे थे मानो ये तो कुछ हुआ ही नहीं है। संसद ने इससे पहले भी गरिमा का हनन होते हुए देखा है। 2014 में L राजगोपाल ने संसद में पेपर स्प्रे का प्रयोग कर दिया, उन्हें फिर एक्सपेल कर दिया गया। तो उन्होंने बोला मैंने तो सेल्फ डिफेंस में यूज किया था। हाँ भाई साहब,
आपको संसद में कोई छेड़ने आ रहा था तो आपने सोचा चलो मिर्च ही छिड़क दूं। ये लड़ाई झगड़े बहुत कॉमन सी बात हो गई है। वैसे अभी सेनेगल में एक महिला लॉ मेकर को ना थप्पड़ से मार दिया एक मेंबर ने, और उसके बाद धे ढुक और धे घुसा और चेयर फेंकी जाए और मेज फेंकी जाए और सब कुछ वहां पर हो गया। ऐसे ही वेस्ट अफ्रीका की एक कंट्री है सियेरा लियोन, वहां पे दबा के पेलम पेल कुर्सियां चल रही थी भाई साहब। दो में पेगासस का इशू उठा, एमपी स्कूल के बच्चे बन गए और उन्होंने संसद में पेपर उड़ाना शुरू कर दिया। माननीय सदस्य इनमें और बच्चों में अंतर बस इतना था कि बच्चे थोड़े क्रिएटिव होते हैं, ये नहीं। कम से कम वो प्लेन बनाकर तो उड़ाते, इन्होंने तो सिंपल पेपर उड़ा दिए। बताओ मजा भी नहीं आ रहा था। अभी एक दो साल पहले संजय सिंह तो बोरा ही गए, पेपर फाड़ फाड़ कर स्पीकर पे फेंकने लगे। लोग अक्सर इन्हें टिकट ब्लैकिया बोलते हैं। मुझे तो इसका अर्थ आज तक समझ में नहीं आया कि क्यों बोलते हैं और क्या ही इसके पीछे सच है, मुझे इस बात का भी नहीं पता। पर उस समय सही में लग रहा था कि पेपर को ऐसा छोटा छोटा काट रहे थे कि टिकट ही बना रहे हो। ममता बनर्जी अलग लेवल पर बोरा गई थी 2013 में, जब उन्हें बोलने का समय नहीं मिला। उन्होंने पेपर का बंडल उठाया और देके मारा स्पीकर को। तगड़ी बात पता है क्या है, उस समय ममता बनर्जी भारत में घुसपैठ के मुद्दे पर बोलना चाहती थी और आज मैडम एनआरसी के विरोध में खड़ी हैं, और ऐसा मतलब पेपर वेपर मार के खुद रोने लगी, मतलब विक्टिम भी यही है। 13 साल पहले का ये वीडियो हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि उस दिन लोकसभा में ममता बनर्जी ने तत्कालीन लोकसभा उपाध्यक्ष पर ये कागज के टुकड़े इसलिए फेंके थे क्योंकि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया था। असल में ममता बनर्जी उस दिन लोकसभा में घुसपैठ के मुद्दे पर बोलना चाहती थी। श्रीलंका के पार्लियामेंट में अभी चिली पेस्ट, पुस्तक, कुर्सी सब फेंके गए। फिटनेस तगड़ी है वैसे इन लोगों की। कर्नाटक की स्टेट असेंबली में एक भाजपा का एमएलए लक्ष्मण सवादी पोर्न देखते हुए पाया गया 2012 में। आज वो भाई साहब डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं कर्नाटक के। वैसे ये पोर्न वाला कई स्थानों पर हो चुका है। अभी 3-4 दिन पहले सर्बिया में एक मेंबर हार्डकोर वाली देख रहा था, उसके बाद अभी उसे रिजाइन करवाया गया है भाई। यूके में भी अभी कुछ समय पहले एक भाई साहब पार्लियामेंट में लगे हुए थे। Now a UK politician has quit parliament after being caught watching pornography in parliament. Neil Parish had been an MP for 12 years and told the BBC he had a moment of madness. ये काम इंडोनेशिया में, ब्राजील में और कई स्थानों की पार्लियामेंट्स में हो चुका है। इनका मोटा हिलाना जरूरी है। तो यदि ऐसा है, इस प्रकार का बिहेवियर हर पार्टी हर देश में होता ही रहा है। हम इन लोगों को लॉ बनाने के लिए, उन पर चिंतन करने के लिए भेजते हैं, ये लोग वहां पर भी पॉलिटिक्स करते हैं। पार्लियामेंट इज नॉट अ प्लेस टू डू पॉलिटिक्स। पार्लियामेंट में देश की प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया जाना चाहिए और उनका संज्ञान लेना चाहिए। एक एक दिन, एक एक घंटा, एक एक मिनट अनमोल है पार्लियामेंट्री सेशन का। पार्लियामेंट को रन करने के लिए प्रति मिनट 2.5 लाख रुपया लगता है, किसी और का नहीं, आपका हमारा। हम लोग टैक्स देते हैं तो संसद चलती है, और इस पैसे पर ये सभी विलास करते हैं। और तगड़ी बात ये, हमें इससे कोई अंतर भी नहीं पड़ता है, हम कूल रहते हैं। कल ठीक ही तो कर रहे, मजा आ रहा। वी मस्ट आस्क क्वेश्चंस, व्हाई आरंट यू हैविंग अ डिस्कशन एंड व्हाई आर यू वेस्टिंग पार्लियामेंट्स टाइम। अनरूली बिहेवियर वालों को वैसे ही ट्रीट करना चाहिए जैसे कॉलेज में स्टूडेंट्स को ट्रीट किया जाता है। पहले वार्निंग, फिर सस्पेंड, और उसके बाद भी किया तो रेस्टिगेट और ब्लैकलिस्ट, बात खत्म। खत्म टाटा, बाय बाय करो और कहो नहीं चाहिए, वही चाहिए जो काम करेगा। आशान्वित हूं कि वीडियो अच्छी लगी होगी। आप हमें सपोर्ट करना चाहें तो पेट्रियन या यूपीआई के माध्यम से कर सकते हैं। आप देख रहे थे आज की ताला खबर। जय हिंद, जय भारत।